हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक रडार में आया है, जो एक ब्रेकआउट दिखा रहा है ऑलमोस्ट 12 साल बाद। दोस्तों, जैसे आजकल हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो किसी ना किसी पैटर्न में ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, तो ये ऑब्जर्व किया है कि अब जितनी भी गवर्नमेंट पीयूसीज हैं या जो नवरत्न कंपनीज हैं, वो अब एक तरह का ब्रेकआउट दिखा रही हैं मार्केट में, क्योंकि जैसे जैसे रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो इन कंपनीज के जो हमेशा ये कंपनीज बैड लोन्स में रहती थी, हमेशा लॉस में रहती थी, वो अब एक पॉजिटिव बिहेवियर शोकेस कर रही हैं और पॉलिसी और गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट की अप्रोच से ये कंपनीज भी पॉजिटिव आ रही हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम वो स्टॉक ढूंढ लाते हैं जो किसी ना किसी तरीके से, चाहे टेक्निकली, चाहे फंडामेंटली, चाहे टेक्नोफंडली मैटर में ब्रेकआउट दिखा रहे होते हैं, और फिर हम उनको एनालाइज करके देखते हैं कि क्या जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आ रहा है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, और उसके द्वारा एनालाइज कर। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जो स्टॉक आज रडार में आया है, स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया। तो बेसिकली ये एक नवरत्न कंपनी है जो माइनिंग ऑफ लिग्नाइट और जनरेशन ऑफ पावर यूजिंग लिग्नाइट एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी, तो इन सेक्टर्स में काम करती है। और हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत ही अच्छा एक रिवाइव हो रहा है मार्केट, बहुत ही अच्छा सेक्टर है, जो पहले लॉन्च होने के बाद कई साल तक एक डाउन ट्रेंड में रहा, लेकिन अब उसमें एक अपट्रेंड नजर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन ग्रोथ नजर आ रही है। प्लस ये एक नवरत्न कंपनी है, तो जो फॉसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर में काम करती है और थर्मल पावर जनरेशन में, तो बहुत ही अच्छा। और पावर का हमने देखा ही कि पावर सेक्टर कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, डिमांड कितनी अच्छी इंप्रूव हो रही है। तो अगर वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है, बुक वैल्यू 119 है और करंट प्राइस 210 रुपए है, तो 1:2 का रेशियो जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ROC ROE अच्छे हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, शुरू से लॉस में रही है, तो इसलिए इनमें डेब्ट ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को अपग्रेड कर रहे हैं, तो इन कंपनीज के लिए बेनिफिशियल ग्रोथ नजर आ रही है, तो उस मामले में काफी अच्छा है। अब बात करते हैं कि क्यों ये अच्छा नजर आ रहा है। तो देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है, तो इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अराउंड 1 जनवरी 2008, जो कि था 258 रुपीज का, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आया, और फिर उसके बाद उसने एक जो पीक बनाई थी वो बनाई थी 175 रुपीज की जैन 10, तो जो जब क्रैश आया 2008 का, उसके बाद रिवाइव किया तो हाई बनाया 177 रुपीज। अब उसके बाद देखिए 2008 से लेके अभी तक नवंबर 23 तक ये एक रेंज में घूमता रहा, जिसमें एक हाई जोन था 125 रुपए, यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ से देखिए अप्रैल 18 से ये ऊपर 117 और नीचे में काफी नीचे तक गया, और फिर जब उसने ब्रेकआउट दिया 1 अगस्त 23 को, जिसका हाई था 117 रुपए, तो वहां से एक शार्प अपमूव आया, तो जिसमें इसने अपना पिछला रेजिस्टेंस था 117 रुपए, उसको ब्रेक किया, सस्टेन किया, और अब देखिए जो उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस था, जो कि 177 रुपीज का था, उसको भी उसने लास्ट मंथ में इसका ब्रेक किया। अभी इसके वीकली चार्ट पे आते हैं, देखिए इसका वीकली चार्ट है, तो जो हमने बात करी थी लास्ट वीक में, उसने अपना जो पिछला रेजिस्टेंस था 177 रुपीज, जो 2008 से था, उसको ब्रेक करके सस्टेन किया। अब ये कंसोलिडेशन के मोड में नहीं लग रहा है, ऐसा देखिए इस वीक में भी एक अच्छी अपरली दी है, तो क्योंकि 12 साल बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है, और हमने देखा है जब भी पहले 12 साल या 10 साल बाद ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज में ब्रेकआउट आता है, जैसे एक REC चार्ट था, तो REC देखिए 2008 में एक उसी प्राइस पे था जिसको इसने कई बार ब्रेक करने की कोशिश करी, और जब फाइनली अगस्त 23 में जब इसने REC ने उस 12 साल के पीक को ब्रेक किया, तो देखिए आज 4 गुना 437 रुपीज का हो गया है 100 रुपए। तो ये होती है पावर की, भाई आज से 14 साल पहले भी स्टॉक उसी प्राइस पे था तो इन्वेस्टर्स को तो कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, क्योंकि नवरत्न गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ता, लेकिन अब जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्रूव हो रही हैं, ये कंपनी बेनिफिट में आ रही हैं, तो और जैसे जैसे उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो देखिए इनमें जो फ्यूचर ऑप्टिमिस्ट होके जो रिटर्न्स मिलते हैं वो इस लेवल पे, और सेम पैटर्न अब देखिए एनएलसी इंडिया कितने 12 साल बाद ब्रेकआउट दे रहा है 177 रुपीज से, नीचे वाला ब्रेकआउट होता है 170 रुपए, बहुत ही क्विक टाइम में उसने सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब यहाँ से इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 258 रुपीज, अब ये यहाँ से 258 की चाल डेफिनेटली चल रही है, क्योंकि अगर वीकली चार्ट देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है,
अच्छे वॉल्यूम्स हैं, जरा सा भी इसमें कंसोलिडेशन की अभी गुंजाइश नहीं है, मार्केट आता है नीचे तो ये एक एक्युमुलेट जोन हो जाएगा जहाँ पे आपको और एक्युमुलेट करना होगा, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट 258 रुपीज, तो मोटा मोटा यहाँ से बात करेंगे तो करीब 23% का रिटर्न। और उसके बाद अगर ये 258 को भी ब्रेक करता है तो फिर ये एक न्यू हाइस बनाने की कोशिश करेगा जिसमें इसका टारगेट होएगा अराउंड 349 का, एक इमीडिएट टारगेट अगर 258 ब्रेक करता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जो आप अपने रडार में रख सकते हैं। और दोस्तों जैसे हमने बोला ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही लें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिससे हम ऐसे स्टॉक ढूंढ लाते हैं जो ब्रेकआउट दिखा रहे हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बताइए अगर आपको पास्ट में जो हमने स्टॉक की बात करी उसमें आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, और अगर ऐसा कोई स्टॉक आपकी नजर में भी आ रहा है जो ब्रेकआउट दिखा रहा है तो कमेंट में बताइए और उस पर हम एनालाइज करेंगे। थैंक यू।